नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार, आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। अहमद फराज का एक शेर है, ये जमीन की फितरत है कि वो हर चीज को जज्ब कर लेती है फराज, वरना मेरे आंसुओं को या मेरे आंसुओं का अलग समंदर होता। हो सकता है जमीन की फितरत हर चीज को अपने अंदर समाने की हो, पर राजनीति उस तत्व का नाम है जो अपने फायदे के लिए जमीन और आंसू दोनों को अपने अंदर समा लेती है। भूमि अधिग्रहण को लेकर जमीन एक बार फिर से चर्चा में है। हमारे देश में गरीबों की जमीन पिज्जा की तरह है, रेडीमेड मार्केट में उपलब्ध है, जब जी चाहे घर लाइए और जितनी भूख है उसके हिसाब से टूट पड़िए। जमीन से जुड़े नेता गरीबों की जमीन खोदने में देर नहीं लगाते। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों ने विकास का ऐसा चकाचौंध दिखाया जैसे ये पूंजी निवेश नहीं बल्कि पाप निवारण शक्तिपुंज ढूंढने आए हैं, और इसी शक्तिपुंज के चक्कर में गरीब 1894 से अपनी जमीन के गायब होने का जादू देखते रहे। अब नया कानून लागू है तो एक बार फिर झारखंड में विरोध हो रहा है। सवाल यह है कि यह विरोध गरीबों की जमीन के लिए है या राजनीतिक जमीन के लिए। इधर बिहार में भी जमीन खिसकाने की राजनीति चल रही है। कुछ नेता बिहार की जनता के लिए जान देने की बात करते हैं, पर बढ़ते अपराध और जान दे रही जनता के सवालों पर मोक्ष की प्राप्ति जैसे भाव में आ जाते हैं। तो आज इन्हीं चीजों पर या इन्हीं मुद्दों पर डीएनए करेंगे। तो चलिए खबरों को समझने की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत बिहार की राजनीति से। जीतन राम मांझी को मिलने वाले सियासी समर्थन ने एक संकेत देना शुरू किया था। जिस तरह से तमाम दल उनके सुर में सुर मिलाते या सुर में सुर मिलाने को तैयार दिख रहे थे या तैयार दिख रहे हैं, क्या वो सिर्फ नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं या दरअसल इस सवाल पर अपनी स्वीकार्यता जता रहे हैं कि आगे जो भी हो या आगे बिहार में जो भी मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा क्या वो दलित ही होगा। एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पल पल हिचकोले खाते सियासत के बीच जीतन राम मांझी सभी दलों की पसंद बने हुए हैं। नीतीश कुमार के आदर्श पर चलने वाले भी अचानक रास्ता बदलते हुए दिखाई देते हैं। मांझी से जुड़े विवाद उनके राजनीतिक मियाद पर सवाल खड़े करते हैं, तो दूसरी तरफ उनके समर्थन की ढाल लेकर मैदान में कोई ना कोई कूद ही जाता है। यह कि हमारे पास जबान है और हमारी आवाज काफी तेज जो है निकलती है, और उस आवाज को बिहार में नहीं बिहार के बाहर भी लोग सुन रहे हैं। अब उनको हटा करके आप चुनाव लड़िएगा तो जो उस आवाज को जो पसंद करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने एक अपना समर्थक वर्ग जो है इस बीच में उन्होंने बना लिया, तो वो जो समर्थक वर्ग है वो तो चाहेगा कि हाँ भाई जीतन राम मांझी के ही नेतृत्व में जो है अगला चुनाव लड़ा जाए ताकि ये फिर जो है बने और जो हम लोगों की बात ये जिस बुलंदी के साथ उठाते रहे हैं वो बात जो है वो अंजाम तक जाए। राजनीतिक दलों का ये मांझी प्रेम इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जाति की बिसात पर हर दल एक दूसरे को मात देने की कोशिश में है, और मांझी उसी राजनीति के बहाने सिरमौर बने हुए हैं। बिहार की राजनीति को मुद्दों के इर्द गिर्द घुमाने का दावा करने वाली बीजेपी भी मांझी समर्थन को ही राजनीति का धुरी मान रही है। अगर जीताराम मांझी जी को हटाने की कोशिश करेंगे तो अपने पैर में खुद से कुल्हाड़ी मारेंगे और जीताराम मांझी की सरकार को गिरने भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। मांझी की स्वीकार्यता की हकीकत उस समय सामने आई जब सरकार के सिपह सालार श्याम रजक के घर पहुंच गए, यानी दलित प्रेम के जिस नारे तले जेडीयू आगे की कहानी लिखना चाह रही है उसके किरदार श्याम रजक भी हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में एक बार फिर श्याम रजक की जय जयकार करने में किसी भी दल को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या बिहार की राजनीति के लिए संकेत यही है कि सरकार आगे किसी की भी हो चेहरा वही होगा जिसकी जाति का टीका सत्ता की चमक बरकरार रख सकेगा। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह का एक बयान सुनाते हैं, और बेहद अहम बयान है, सुनिए। आज बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, आज जब ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है तो लोगों को कुछ को सिपकी जल लग रही है, लोगों के देह में आग लगा है, बेमौसम बरसात हो रही है। आपने सुना है कि पुरुष भी गर्भ धारण करता है, कहीं करता है क्या? नहीं ना। लेकिन इस बिहार में मुख्यमंत्री बनने से इसके लोग के पेट में दर्द हो रहा है, रखता है इससे उनके पेट में बच्चा फूल रहा है। अरे बाप रे, कहाँ ले जाना चाहते हो बिहार को? फिर आज से 100 साल पीछे जीता है तुम्हारे लिए, मरेगा तुम्हारे लिए, इसलिए जीता नाम मांझी को आशीर्वाद शरीफ प्यार देकर बिहार की कुर्सी पर
बरकरार रखने के लिए फैसला लेकर तो हर रंग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये कि 2015 में बिहार में क्या होगा, क्या दलित ही बिहार की राजनीति में या बिहार की राजनीति का सिरमौर बनेगा, और अगर ऐसा है तो बिहार की राजनीति कहां जा रही है, इसको समझना जरूरी है। तो आइए समझने की शुरुआत करते हैं। बिहार राज्य बनने के बाद यहां की राजनीति जातीय समीकरण के इर्द गिर्द खूब घूमी या कहीं घुमाई गई, बड़े बड़े नेताओं पर भी सवाल उठे। पुलिस भर्ती में बिना परीक्षा लिए ही भर्ती से लेकर ठेकेदारी तक में जाति का रंग खुले तौर पर दिखा है, और सवालों के घेरे में पहले मुख्यमंत्री चाहे श्री बाबू रहे हो या आज की तारीख में जीता नामाजी या इनसे पहले नीतीश कुमार, हर नेता को कटघरे में खड़ा किया गया। तो पहला सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति दलितों को प्रोजेक्ट किए बिना संभव नहीं है, और ध्यान रखिए हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट किए बिना, क्योंकि प्रोजेक्ट करने में और किसी को वाकई उसका हक देने में बहुत फर्क है। जैसे आपका नाम अगर मैं लेता रहूं और आपका काम ही मैं ना करूं तो आपका नाम जपना भी एक तरीके से प्रोजेक्ट करना ही होगा। इसलिए क्या किसी दलित को प्रोजेक्ट किए बिना बिहार में आगे का राजनीतिक रास्ता किसी भी दल के लिए तय करना मुश्किल होगा, या यूं कहें कि जाति के नाम पर ही सियासी मंजिल आगे तय की जाएगी। बिहार की स्थिति यह है कि विकास का मुद्दा कहीं गुम हो चुका है। जिस गवर्नेंस के नारे के साथ नीतीश कुमार बदलाव की हवा बहाने निकले थे, उसकी हवा आज देखिए उनके खुद अपने निकाल रहे हैं। विपक्ष का काम सरकार को सजा करना है तो बीजेपी मोदी की जय जयकार से बाहर निकलना ही नहीं चाह रही, और बयान देखिए तो जीतन राम मांझी की पहचान हर दल किसी राज्य के मुख्यमंत्री से ज्यादा एक दलित के रूप में कराने को बेचैन दिखता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जिस तरह से बीजेपी का दलित प्रेम जागा है, अगले चुनाव में उसकी कमान जाति के आधार पर ही तय होगी? ये तो मान लीजिए बीजेपी की बात हो गई। अगर आप राजनीतिक इतिहास को थोड़ा टटोलें तो आज जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो, ये सारे नेता छात्र राजनीति से उभरे और इसी दलीय अराजकता का विरोध करते हुए जेपी से भी जुड़े, और आज की राजनीति देखिए तो लगता है कि फिर उसी दौर में बिहार को धकेला जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या मांझी की लगातार प्रशंसा करना तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनका वोट बैंक या उनका विरोध कर वोट बैंक के इस दौर में कोई भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेगा। या फिर दूसरा अहम पहलू यह है कि क्या व्यक्तिगत स्तर पर जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उनके बिना सियासत आगे बढ़ती ही नहीं दिखाई देती, उनके बिना बिहार की खबरें भी आगे नहीं बढ़ती। थोड़ा पीछे चलना होगा, याद कीजिए लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के बचपन की कठिनाइयों से ज्यादा उनकी जाति की चर्चा की गई, और मोदी विरोध का हर सवाल उनकी जाति की जटिलताओं से टकराकर धाराशायी हो गए। यहां तक कि खुद को दलित नेता मानने वाले या तो रामविलास पासवान की तरह मोदी जी के साथ चल दिए या मायावती की तरह साइड कर दिए। तो क्या बीजेपी के मांझी प्रेम की वजह यह भी है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी भी दलित प्रेम को राजनीतिक रूप से जाहिर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी? यानी क्या बीजेपी की तरफ से भी कोई दलित कार्ड खेला जाएगा, और शायद इसलिए भूमिका बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी हो रही है? क्योंकि मौजूदा दौर में देखिए आप, लालू प्रसाद यादव अल्पसंख्यकों को भोज खिला रहे हैं, लोजपा भी मांझी के साथ खड़ी दिखती है, तो क्या यह भी मान लिया जाए कि मूल रूप से दलितों की राजनीति करने वाले जो भी दल हैं उनके लिए बिहार में परीक्षा की घड़ी होने वाली है, जैसी परीक्षा आज जेडीयू दे रही है? और इसलिए सवाल ये भी कि क्या जेडीयू और उसके सहयोगी फिर से इस परीक्षा से गुजरना चाहेंगे, और क्या बीजेपी अपनी राजनीतिक पहचान को स्थायी पहचान बनाने का रिस्क लेगी कि वो दलितों की पार्टी है? दोनों दिख रहे हैं दलित बात के लिए तैयार दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा चुनाव आने के लिए। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। और अगली खबर को ध्यान से सुना जरूरी है, हो सकता है बहुत मजा ना आए लेकिन बेहद जरूरी खबर। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का देश भर में विरोध हो रहा है। विरोध करने वालों में कांग्रेस, वाम दल, सपा, जेडीयू, आरजेडी, जेएमएम, जेवीएम और वैसी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं है। यानी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के बहाने देश भर में केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। झारखंड में तमाम दलों ने अध्यादेश के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत भी कर दी। जेएमएम ने आज राजभवन के सामने धरना दिया। जेवीएम भी रांची से लेकर जिला मुख्यालयों तक इस अध्यादेश के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। वाम पार्टियों ने भी रांची में प्रतिरोध मार्च निकालकर विरोध जताया। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध सिर्फ झारखंड ही नहीं
बिहार, बंगाल, यूपी और तमाम उन राज्यों में हो रहा है जहां बीजेपी या बीजेपी समर्थित सरकारें नहीं हैं। तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ रांची में जेएमएम ने महाधरना दिया, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। महाधरना के दौरान झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खास बातचीत की, जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने सुना रहे हैं। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी के तहत आज राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना हुआ है और आगे की भी रणनीति तैयार की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पार्टी विधायक दल नेता हेमंत सोरेन। हेमंत जी, भूमि अधिग्रहण बिल, इस बिल को किस तरीके से देख रहे हैं और जनता के नज़र में ये बिल क्या होने जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार अध्यादेश के माध्यम से विभिन्न कानूनों को इस देश की जनता के मत्थे मढ़ना चाहती है, थोपना चाहती है और इसका इस अध्यादेश के प्रति देश के महामहिम ने भी संकेत दिए हैं कि अध्यादेश उचित नहीं है, इस पर सदन में बहस होनी चाहिए और भूमि अधिग्रहण के विषय पर सबसे अधिक जिस तरीके से मैं समझता हूं कि आहत होने वाली जनता होगी वो झारखंड प्रदेश की जनता होगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमेशा से संघर्ष इस राज्य के जल जंगल जमीन को लेकर हुआ है और हम इस कानून का विरोध ही नहीं करते हैं बल्कि इस कानून को यहां पर स्थापित करने का हर लड़ाई लड़ेंगे सदन से लेकर सड़क तक। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि इस कानून के आने से देश का विकास फैलेगा, जो झारखंड में अभी तक गरीबी है वो दूर होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का ये सिलसिला आज से नहीं है, देश आज़ादी से ही चल रहा है और अब नौकरी भी नहीं मिलेगी, जमीन भी चला जाएगा, फिर जाएंगे कहाँ? कम से कम आदमी को रोजगार नहीं है तो खेती करके तो अपना जीवन चला सकता है। अब खेती का भी जिम्मा अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को दे दें तो फिर ये कहाँ तक चलेगा? जिसका काम वो उसी को साधे ज़्यादा अच्छा है। ये विशुद्ध रूप से व्यापारियों को स्थापित करने का विषय है। ये तो हेमंत जी, जिनका साफ कहना था कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के जिस तरीके से लोगों का सामने अगर ये बिल आता है तो इसका सीधा खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा और यही वजह है कि इस बिल का अब विरोध न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे लेवल पर भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो जेएमएम का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना कि जेएमएम क्यों इस अध्यादेश का विरोध कर रहा है। आज हम मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, यूपीए सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून और अंग्रेजों के जमाने की 1894 में बने भूमि अधिग्रहण कानून और उसके एक एक पहलुओं का डीएनए टेस्ट करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्यों भूमि अधिग्रहण को लेकर मोदी सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश का विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार की ओर से साल 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन कर नया अध्यादेश लाया गया है। विरोध करने वालों का तर्क यह है कि यह अध्यादेश गरीबों और किसानों के हित में नहीं है। गरीबों की भूमि को हथियाने के लिए बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए यह अध्यादेश पारित किया गया है। किसानों को मुआवजा से जुड़े प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा, ये तमाम आरोप लग रहे हैं, ये बातें कही जा रही हैं। अब बताते हैं अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार का क्या कहना है। केंद्र सरकार का कहना है कि उसने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को धारा 10 के तहत धारा 10 में 5 नए उद्देश्य जोड़े हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा उत्पादन, विद्युतीकरण, ग्रामीण आधारभूत संरचना, सस्ते आवासों के निर्माण, औद्योगिक गलियारा बनाने, पीपीपी मॉडल पर सामाजिक उद्देश्य के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए भी जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। यानी ये मुद्दे हैं जिसके आधार पर किसानों की जमीन ली जाएगी। इसके अलावा पहले सरकार और निजी कंपनियों के साझा प्रोजेक्ट में प्रभावित जमीन मालिकों से 80% की सहमति जरूरी थी। पूरे तौर पर सरकारी परियोजनाओं के लिए 70% मंजूरी होनी चाहिए थी। उस इलाके में जितने लोग रहते हैं 70% लोगों की मंजूरी जरूरी थी। नए कानून में इसे खत्म कर दिया गया है। ग्रामीण बिजली, गरीबों के लिए घर और औद्योगिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं में 80% लोगों की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अलावा संशोधन में मुआवजे की दर को पहले जैसा ही रखा गया है। केंद्र सरकार ने जो बदलाव किए हैं उसके संबंध में उसका तर्क है कि भारत में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के पास होने तक भूमि अधिग्रहण का काम मुख्यतः 1894 में जो कानून बना था उसी के दायरे में होता था, यानी इतने साल पुराने कानून के दायरे में। मनमोहन सरकार ने मोटे तौर पर उसके 3 प्रावधानों में बदलाव किए जो भूमि अधिग्रहण की सूरत में समाज पर उसका असर, लोगों की सहमति और मुआवजे से संबंधित थे। लेकिन भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, इनसे भूमि का मूल्यवर्धन होगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आधारभूत ढांचा और सामाजिक अधोसंरचना उपलब्ध होगी, ये तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन सवाल यह कि झारखंड में इसका विरोध हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक। अधिग्रहण और उसके विरोध पर हम बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार का अपना तर्क है, उसका कहना है कि ये विकास के लिए अध्यादेश लाया है, लाने का काम किया है, तो विरोधी कह रहे हैं कि ये आम आदमी के पूरी तरह से खिलाफ है, कॉरपोरेट घरानों का इससे विकास होगा। इस बीच आपको बता दें कि संसाधनों के बाद भी झारखंड का विकास नहीं हुआ, क्योंकि अभी विरोध झारखंड में हो रहा है, इसलिए चर्चा करें झारखंड की। देश के 30% खनिज झारखंड में है, कोयला, आयरन और बॉक्साइट, यूरेनियम की भरमार झारखंड में। झारखंड में 19 मिलियन टन स्टील उत्पादन की क्षमता भी है जो देश का 20% है, लेकिन इसके बाद भी देखिए राज्य में उतना औद्योगिक विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इसके पीछे की पहली बड़ी वजह जटिल नीतियां रही, दूसरी बड़ी वजह लोगों का विरोध रहा, क्योंकि झारखंड में ज्यादातर सुर्खियां विस्थापन और पुनर्वास को लेकर चलने वाले आंदोलन से ही बनते हैं। अब बात बिहार की सियासत करते हैं। बिहार में औद्योगिकरण का हिस्सा देखिए आप 9 के बराबर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति क्या है आपसे छुपी नहीं है। अब यही वजह है कि यहाँ भी बड़ी आबादी काम की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करती है और वहां से जो पैसा आता है उसी से लोग घर चलाते हैं। बिहार में कृषि आधारित उद्योग की भी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अब तक उसका विकास नहीं हुआ। जूट और गन्ना उद्योग दम तोड़ने के कगार पर हैं। इसके पीछे की वजह सरकार का ढुलमुल रवैया, कानूनी पेचीदगियां और बिगड़ी कानून व्यवस्था भी है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार कह रही है कि भूमि अधिग्रहण कानून को उसने लचीला बनाया है, उद्योग धंधे लगेंगे, रोजगार का सृजन होगा, तो सवाल यह है कि विरोध क्यों? इसलिए कि मोदी सरकार का विरोध करना है या मोटे मोटे तौर पर राज्य का विकास या राज्य के विकास का कहीं भी इससे कोई लेना देना है? यानी सवालों के घेरे में केंद्र सरकार जरूर है, लेकिन राज्य सरकारों को भी लचीला होकर जो भी बाहर से इंडस्ट्रीज उनके यहाँ लगने के लिए आती हैं, जो राज्य के विकास का सपना दिखाते हैं, उनसे समझने की जरूरत है कि उनके पास प्लानिंग क्या है। आज डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा विराम, आगे आ रहे हैं सईद हुसैन।